हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इन एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में आपको अगर अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज करना है तो कैसे करना है और क्या इसका प्रोसेस है, यही आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको दो अलग ऑप्शन बताऊँगा। तो पहला ऑप्शन आपको जीमेल के थ्रू बताऊँगा, तो जीमेल ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने बैंक को रिक्वेस्ट लिख के सेंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम का कॉलम लिख देना है और उसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस दे के नंबर का कॉलम लिखना है। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके रिक्वेस्ट का कॉलम लिखना है। लास्ट में रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको भी सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने एकदम ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जो हर किसी के समझ में आएगा। तो आपको लिखना है प्लीज़ इंक्रीज़ माय यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इन एक्सिस बैंक। इतना आपको रिक्वेस्ट के कॉलम में लिख देना है। उसके बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिख रहा होगा, तो वहाँ पे भी हम इसी से रिलेटेड लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंक्रीज़ यूपीआई लिमिट इन एक्सिस बैंक। इतना आपको रिक्वेस्ट के कॉलम में लिख देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको सबसे लास्ट में एक्सिस बैंक की जीमेल आईडी डालना है। वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी एक्सिस बैंक के, और एक्सिस बैंक के ऐप से भी मिल जाएगी ईमेल आईडी। तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक होगी तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होगी, और रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होगी तो आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ध्यान से चेक करना है अपना ईमेल, और चेक करने के बाद आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो रिप्लाई का वेट करना है। रिप्लाई आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और 48 आवर्स के बाद आपका जो यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करता है, तो आप सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से, और वहाँ पे कॉल करके आप यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज़ का प्रोसीजर पूछ सकते हैं, और वहाँ से भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दोनों अलग ऑप्शन बताया है। पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू है और सेकेंड ऑप्शन कस्टमर केयर के थ्रू है। जो ऑप्शन आपको इजी लगता है और बेटर लगता है, वहाँ से आप अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज़ हुई या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।